Assalamualaikum guys, welcome back to my dunya. It's all about Somia. Also, how are you all? I hope you all doing good and safe and sound. So guys, आज मैं आ गई हूँ एक नए रेसिपी के साथ, जो है मेरी मम्मी की चिकन तंदूरी की रेसिपी इन होम स्टाइल एंड इन माई मदर स्टाइल. और बहुत ईजी रेसिपी है, ईजी पीजी. यू कैन ट्राई इट एट होम जब आपको तंदूरी खाने का कभी भी क्रेविंग हो, और लाइक लेट नाइट भी हो सकता है, और आप लोग जल्दी से मतलब दुकान से नहीं ला सकते हो, लाइक मैनी ऑफ दिस कंडीशन, यू नो. तो तब आप फटफट से अपने घर में बना सकते हो, और इजी रेसिपी, इजी मसालास, और वेरी वेरी यमी एंड टेस्टी एंड डिलीशियस. सो डू ट्राई इट. ऑल्सो ऐसे न्यू रेसिपी के साथ मैं आती रहूँगी. वो है ऑब्वियसली मेरी मम्मी ही बनाएगी, बिकॉज मुझे कुकिंग नहीं आता, आता है तो थोड़ा थोड़ा. ओके, सो लेट्स बिगिन. You never took me seriously. You know, half a time. तो ये हाफ किलो चिकन है जो तंदूरी के लिए मेरी मम्मी ने रेडी किया है. उसके बाद इसमें नमक, 1 टेबलस्पून नमक, और 2 टेबलस्पून नींबू. ये मसाले, ये है रेड चिली पाउडर. उसके बाद ये है ब्लैक पेपर पाउडर. अब हम लोग चिकन में लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, यानी कश्मीरी लाल मिर्च फॉर गुड कलर. फिर साथ में हम लोग एक कटोरे में दही ले लेंगे, उसको अच्छे से फेंट लेंगे. दही में हम लोग अदरक लहसुन का पेस्ट यानी जिंजर गार्लिक पेस्ट, और साथ में उसमें लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा फूड कलर, कॉर्नफ्लोर पाउडर, और साथ में फिर हम लोग जीरा धनिया का पाउडर, फिर सॉल्ट, नमक. उसके बाद हम लोग चिकन तंदूरी मसाला भी ले लेंगे. मसाले और दही को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और अच्छे से फेंट लीजिए एक स्पून की हेल्प से. और इन सारे मसाले को अच्छे से फेंटने के बाद चिकन में डाल दीजिए, और चिकन के साथ अच्छे से इन मसालों को मिक्स कीजिए, और मसाले को अंदर तक पहुंचने के लिए होल नाइट मैरिनेशन के लिए छोड़ दीजिए. जरूरी नहीं है कि आप लोग होल नाइट ही छोड़ें, आप लोग 2-3 घंटे के लिए या आधा घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं. इट्स अप टू यू हाउ मच टाइम यू हैव. हम लोग के पास टाइम था, इसलिए हमने होल नाइट मैरिनेट किया. अगले दिन हम चिकन को फ्राई करेंगे. ये देखिए, गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा दिया, और इसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे. मैरिनेशन करके मेरे मम्मी ने रखा था, और मैरिनेशन के बाद ये देखिए पूरा कितना अच्छा कलर और मसाला पूरा अंदर तक जा चुका है. आप लोग अगर जल्दी करना हो तो आधा घंटे में के लिए भी कर सकते हैं मैरिनेशन, अगर कोई मेहमान आने वाला हो या जल्दी खाना हो. लेकिन हमारे पास टाइम था, हम घर में ही खाने वाले, इसलिए हमने फुल नाइट किया है. और फुल नाइट मैरिनेशन करने से ज़्यादा अच्छा होता है, मसाला ज़्यादा अंदर तक जाता है, और चिकन भी सॉफ्ट सॉफ्ट बनता है. अब कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब इसमें हम लोग बटर डाल देंगे. बटर में हम लोग चिकन को फ्राई करेंगे, और देखिए बटर गल रहा है. बटर गलने तक हम लोग वेट करेंगे. बटर गलने के बाद हम लोग एक एक करके पीस चिकन का बटर में डाल देंगे. चिकन डालने के बाद फ्राई होने के लिए हम गैस को धीमी आंच पे छोड़ देंगे, और ढक्कन लगा देंगे यानी लीड लगा देंगे, और 5-6 मिनट चिकन को पकने के लिए छोड़ देंगे. लीड हटाने के बाद हम चिकन को पलट लेंगे, और ये देखिए एक साइड कितने अच्छी तरह से पक चुके हैं. पलटने के बाद इसको फिर से आप लोग ढक्कन लगा दीजिए, और ऐसे ही आपको 3-4 बार इसको उलट पुलट करना है. 4 बार पलटने के बाद ये ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, ये कढ़ाई चिकन तंदूरी. ये कढ़ाई पे बना हुआ चिकन तंदूरी है, इसलिए आपको एक कोयला गरम करना है, और जो चिकन तंदूरी का कढ़ाई है उसके बीचों बीच आपको एक कटोरा रखना है, और उस कोयले को गरम होने के बाद उस कटोरे में डालना है, और साथ में थोड़ा सा बटर डाल देना है. फिर उसमें ढक्कन लगा देना है ताकि एक स्मोकी एंड लाजवाब फ्लेवर आए. ये देखिए गाइस, ये टेस्टी टेस्टी चिकन तंदूरी बिल्कुल रेडी हो चुका है. प्रेजेंटेशन देखिए गाइस, आज तो मेरी मम्मी ने प्रेजेंटेशन में भी एक नंबर मारा है. ठीक है,
ये है चिकन तंदूरी, ये है धनिया और पुदीना का चटनी, हमने पतला नहीं किया है क्योंकि हमें गाढ़ा खाना पसंद है। ये है नींबू, ये है प्याज ऑनियन एज यूजुअल। दिस इज़ अ वेरी इजी रेसिपी गाइज, यू कैन ट्राई इट एट होम। मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया है और ये बहुत टेस्टी लग रहा है। प्लीज़ प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा है और आपको आगे कैसा रेसिपी चाहिए, इजी सा मुझे ज़रूर बताइएगा।